देखिए दोस्तों, जूस बन के तैयार है, एकदम फ्रेश है, एकदम अभी बनाया है मैंने। और रोज सुबह इसको खाली पेट पीना होता है। हाय दोस्तों, मैं आज आपको एश गार्ड जूस बना के दिखाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही यूनिक है और जो हमारे शरीर को पूरी तरह प्योरीफाई करता है, हमारे पेट को साफ़ करता है, इंटेस्टाइन को और लिवर को साफ करता है और हमारा शरीर एकदम नया तरीके से हील करता है। तो दोस्तों, हम इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने एक क्यूब में काट लिया है एश गार्ड को। एश गार्ड को दोस्तों पेठा भी कहते हैं, खबहा भी कहते हैं, अलग अलग जगहों पर इसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं और ये बहुत ही उपकारी है। तो दोस्तों, हमने इसको काट लिया है, एकदम लौकी जैसा दिखता है, इसके छिलके को उतार लिया है और इसके अंदर थोड़े बीज जैसे होते हैं लौकी की तरह ही, तो मैंने उन सब बीजों को निकाल दिया है काट के और बाकी इनको क्यूब्स में काट लिया है। अब इनको मैं और छोटा काट लूँगी और उसके बाद मैं इसको मिक्सी में जूस बनाऊँगी। आप चाहें तो, आपके पास अगर जूसर है तो जूसर में भी बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इसको और छोटे टुकड़ों में कर लिया है मिक्सी में, जिससे पीसने में आसानी हो। अब मैं इसमें करीब आधा कप, एक कप के करीब पानी डाल दूँगी, जिससे कि जूस बनने में और ये पीसने में आसानी हो। अब हम इसको पीस लेंगे। देखिए दोस्तों, एश गार्ड पीस गया है। अब हम इसको छन्नी में छान लेंगे। आप चाहें तो एक मलमल के कपड़े में भी छान सकते हैं। देखिए दोस्तों, जूस बन के तैयार है, एकदम फ्रेश है, एकदम अभी बनाया है मैंने। और रोज़ सुबह इसको खाली पेट पीना होता है और ये पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतु बनर्जी आपके लिए लाती हूँ नई नई रेसिपीज, जो बहुत ही आसानी से रोज यूज होने वाले साधारण सी इंग्रेडिएंट्स से बनने वाली रेसिपी है। ये रेसिपी बेहद ही टेस्टी भी है, साथ में हेल्थी भी है। मैंने 200 से भी ज्यादा रेसिपी YouTube में अपलोड कर चुकी हूँ, इसका कुछ झलक यहाँ पर दिख रहा है। आप भी घर में बनाइए और मजेदार स्वाद की लुत्फ उठाइए। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।